अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद है हम लोग ठीक ठाक होंगे अपने पर और हमारा चैनल को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, उस दिन मैंने पिछली बार आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैं आया था और आपको एंड पर दिखाया था कि मैं यहाँ पर आया था। ये है हमारा और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं मेरे दादा वो डॉक्टर सदीक शाकर से, तो मैंने आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को देख सकते हैं। अब हम चले हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर। आज आपके पास, आज हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपको देने के लिए यहाँ पर अंदर। और हम आ गए हैं कमरे में। आज का सरप्राइज़ आपको बताने था, ये हमारी डायमंड जो कि इधर आ चुकी है। आप साथ में छोटा सा के देख रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। सॉरी फॉर डैड के यहाँ ये वाला ये जो बैक कैमरा है इसका वो अच्छा नहीं है, मगर चलेगा जो भी है। ये देखें ज़रा, ये रहे हमारे पैरेट। तो इसने हमारी तो इसने दो अंडे तो तकरीबन दे ही दिए थे, तो आपको दिखा दें। इस बार तो हम दिखा के रहे क्योंकि हम पिछली बार भी सही नहीं दिखा पाए थे हम। तो आपको दो अंडे नज़र आ गए हैं और इधर तीन बच्चे हैं, वो भी तीनों के तीनों बहुत तंदुरुस्त हैं। आपको सही से नज़र नहीं आई मुझे पता है, बट अंडे नहीं सही से नज़र आए, लेकिन आपको डायमंड तो नज़र आएगी। और ये आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे करके, और ये आप देखते हैं ये है हमारी डायमंड जो कि हमने इस छोटे से केज में लगा दी है। ये है लोहे का केज है, और यहाँ पर ये मेल अंदर बैठा हुआ है और फीमेल बाहर बैठी है। इंशाल्लाह इन्होंने भी यहाँ पर ब्रीड करनी शुरू कर देनी है। और देखें वो मेल बाहर निकल आया है टोकरी से। चले हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते और आपको अपनी मुर्गियाँ दिखा देते हैं। और ये हमारा केज है, देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ गई है हमारे केज पर। आपको दिखा रहे हमारा आपको दिखाएँ तो यहाँ पर हमारे हाथों से बटेर जो कि हमने यहाँ से हटा दिए हैं। अभी मैं आपको बटेर भी दिखाऊंगा कि बटेर अभी कहाँ पर हैं। हम यहाँ पर आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पर अंडे की तलाश में आया था मगर अंडा नहीं मिला। लेकिन हम यहाँ पर देख कर ही रहेंगे कि अंडा आया है कि नहीं। ये देखेंगे कितने हमारे घर में खराबा हुआ पड़ा है, क्या करें। तो एक बात मुझे याद आई कि मैंने मुर्गियों को सबक देने के लिए ना ये एक अंडा रखा था। आपको कोई पता है कि ये नीला अंडा होता ही नहीं है। चलिए मैं आपको इनको आप दिखाता हूँ कि यहाँ अंडा और इसमें से क्या निकलने वाला है। चलिए हम अंडे को अनपैक करते हैं। ओह नो, तो यहाँ पर हमने कंगनी खिला दी है। ये देखिए ये इनके लिए कंगनी है, ये बहुत ही ये शौक से खाएंगे। देखना ज़रा, ये इनमें इत्तेफाक बहुत है कि ये इकट्ठे बैठ कर भी खा लेते हैं। और ये रहा हमारा शेर दिल, वाइट मुर्गे का नाम शेर दिल था हमारे। ये शेर दिल कैसा है, नाम बहुत अच्छा लगा था आपको क्योंकि मुझे पता है। तो वो वाइट मुर्गी है, उसका नाम आपने अभी तक नहीं कमेंट में मुझे एक भी उसका नाम के बारे में एक भी कमेंट नहीं आया, तो कोई बात नहीं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये रहा हमारा शहजादा और वो रही रानी। ब्लैक मुर्गी का नाम रानी रखा हुआ है और उसका नाम शहजादा। इसका नाम रानी इसलिए रखा था क्योंकि इसको हुए थे चिचक। चलिए हम अब जाते हैं अपने डव के, इन्हें लोग डव भी कहते हैं और गुगियाँ भी कहते हैं। तो आपको मैंने सिर्फ ये बताना है कि इन्होंने दे दिए हैं दोबारा दो के दो अंडे, जितने ये देते होते हैं हमेशा तो दो ही देते होते हैं। यहाँ पर मुझे पता है ये दो से ज़्यादा नहीं देते, अगर दो फीमेल दो तो दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं। पिछली बार हमारा इन्होंने